हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू कर रही हूँ, जो पिछला ब्लॉग गया था तो उसके आगे से वीडियो शुरू कर रही हूँ। वीडियो में सुबह 7:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। आज पार्ट की छुट्टी थी, उसके एग्जाम चल रहे हैं ना, तो इस वजह से प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से उसका आज गैप, तो वह घर पर ही है। तो बस चाय बन गई है, तो बस ले जाऊंगी चाय। तो सभी लोग बैठे हैं और आज चाय बेडरूम में पी जा रही है। बस हस्बैंड टूट गए हैं, पार्थ भी उठ गया है और बस यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं। चाय पी ली है, उसके बाद अब हो जाता है शुरू मॉर्निंग की क्लीनिंग का। तो वैसे ये छोटी छोटी क्लीनिंग है तो करते रहते हैं, तो घर हमारा साफ रहता है। कभी किसी कोने में, बस कभी किसी कोने में, बस इस तरीके से मेरी जो क्लीनिंग है, सफाइयां हैं, चलती रहती हैं। तो आज शुरू किया मैंने विंडो से, तो बस जो पीछे वाली गैलरी में विंडो लगी है तो उनको मैं कॉलिन से साफ कर रही हूँ, और फिर इसके बाद जो दूसरी वाली विंडो है तो उसको भी मैं कॉलिन से पोछ रही हूँ। तो इनको अच्छे से पोछ दूंगी और जो हल्की फुल्की डस्ट इसमें कलेक्ट होती है ना, तो वह भी साफ हो जाएगी। तो बस ये छोटे छोटे जो काम है तो मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, तो घर हमारा साफ रहता है। फिर जो दरवाजे थे तो उनको मैंने पोछ दिया था और साइड में लगा है कि ये स्टैंड, तो बस यहाँ पर भी मैं पोछती जा रही हूँ। थोड़ी बहुत डस्ट तो सभी जगह हो ही जाती है, तो बस जो स्टैंड है तो उसको मैंने अच्छे से छड़ा लिया था, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डस्ट तो इकट्ठी हो ही गई थी, तो बस इसको मैं साफ करती जा रही हूँ। और दिवाली की जब क्लीनिंग हुई थी ना तभी इसको साफ किया था। फिर इसके बाद जो साइड टेबल रखी हुई है तो बस इसको भी मैं साफ करती जा रही हूँ। तो बस इसी के साथ जो मॉर्निंग की डस्टिंग होती है तो मेरी कंप्लीट होती है, और फिर इसके बाद बाद ही आती है पोछा लगाने की। पोछा लग चुका है, पोछा लगने के बाद फिर मैं नहाने भी जाऊंगी। और हस्बैंड ऊपर गए थे तो वह वहां से कुछ हरा धनिया तोड़कर लाए थे, तो बस उसको मैं रखूंगी किचन में। किटू मिट्टू भी हमारे नहा कर आ चुके हैं, तो बस धनिया को भी धुल लेंगे और फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। और नहाने के बाद जो फिर खाना वगैरह बनना है तो वह भी बनाऊंगी। तो खाने में मैं दाल चावल बना रही हूँ, तो इस वजह से इसका वीडियो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और साथ में मैंने नाश्ते में बनाई थी मीठी वाली सेवई, तो आज पार्थ घर पर था तो उसका मीठी सेवई खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ। तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रखा था, उसमें मैंने चीनी डाली थी, चीनी के साथ ना कुछ बताशे थे, तो ये ऐसे ही चीनी के डब्बे मैंने डाल दिए थे, तो इनको भी मैंने सेवई बनाने के लिए चीनी के साथ डाल दिया है। यहाँ पर दूध एक साइड पक रहा है और एक पैन में मैंने घी गर्म किया था, और उसमें मैंने जो
सिवाई थी तो वेब डाल दी थी। इनको अच्छे से मैं भून लूंगी, इनको मैं धीमी आंच पे भून रही हूँ ताकि ये हल्का हल्का ऐसा गोल्डन कलर आ जाए। अब बच्चे घर में रहते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही रहता है, तो बस सिवाई में बनाती जा रही हूँ। और बस थोड़ी ही देर में सिवाई भी भुन गई थी, दूध गर्म हो चुका था तो दूध को मैंने साइड में रख दिया था और इस पर मैंने जो सिवाई थी तो वह भी रख ली थी। सिवाई भुन चुकी है तो बस तो दूध को वापस से गैस पे मैंने रख दिया है और जो सिवाई भुनी हुई है तो उनको भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इस तरीके से जो दूध बॉयल करके बनाते हैं ना तो जो सिवाई वाला दूध है तो वह भी नहीं फटता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध फट जाता है, तो इस तरीके से बनाते हैं तो दूध बिल्कुल भी नहीं फटता। फिर बस थोड़ी ही देर में सिवाई भी पक जाएंगी तो इनमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया था, साथ में मैंने डाला था इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने जब दूध गर्म किया था तो तभी उसमें ऐड कर दिया था। बस थोड़ी ही देर लगी थी, लगभग 5 मिनट लगे थे दूध में डालने के बाद, और सिवई भी पक गई थी। और ये जो सिवई है ना तो ये सूजी की है, तो इस वजह से ये हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी है। बस फटाफट पार्थ को नाश्ता देंगे और सभी को नाश्ता दे देंगे। और साइड में जो कुकर में दाल चावल है तो वह बन रहा है, तो जब तक दाल चावल भी बन जाएगा। और इसका वीडियो मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिंपल दाल चावल ही बन रहा है। फिर सभी ने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद फिर सीधा मैं मिलती हूँ शाम को। शाम को कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी और सबसे पहले मैं रख रही हूँ चावल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चावल को धुलकर रख दूंगी तो चावल थोड़ी देर में फूल जाएगा, तो लगभग 10-15 मिनट के लिए मैं रख रही हूँ। फिर इसके बाद कर रही हूँ चिकन बनाने की तैयारी। तो बस जो खड़े मसाले थे वह मैंने निकाल लिए थे और ये कुछ मसाले हैं जो मैंने निकाले थे। और मसाले में था खड़ा धनिया, दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, शाही जीरे और छबीला। साथ में था अदरक और लहसुन, तो अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ। और जो ये मसाले हैं तो इनमें से मैं दालचीनी और तेजपत्ता को अलग कर दूंगी, बाकी के जो मसाले हैं तो उनको रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो खड़ा धनिया था तो उसको रोस्ट करने के लिए तवे पर डाल दिया है। इसको हल्का सा ही रोस्ट करना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वह निकल जाए और इसका फाइन पाउडर बन जाए। बस थोड़ी ही देर में धनिया भुन गया है और बाकी के जो खड़े मसाले मैंने लिए थे ना साथ में, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि वह भी आसानी से पिस जाए। तो बस सारे जो मसाले हैं तो उनको मैं तवे पे डाल दिया है और इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, हल्का हल्का ही भूनूंगी। और साथ में मैंने जो बड़ी वाली इलायची थी तो उसको साइड में निकाल कर रख दिया है, तेजपत्ता दालचीनी भी मैंने साइड में निकाल कर रख दिया है। तो बस बाकी के जो मसाले थे तो उनको मैंने भून लिया है और सारे मसालों को मैंने जो धनिया था तो उसी के साथ डाल लिया है। बड़ी वाली जो इलायची थी तो उसको मैंने छील लिया है, उसके दाने मैं पीसने के लिए धनिया के साथ डालूंगी और उसको छील के रख दूंगी साइड में। तो वह तेज पत्ता जब डालेंगे ना तब उसके साथ यूज करेंगे तो इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। धनिया भुन चुका है तो इसका मैं बनाऊंगी फाइन पाउडर। और फिर इसके बाद सारी चीजों को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और बस इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। पानी वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला था और जो पाउडर मुझे बनाना था तो वह बन गया है। इस तरीके का जब फ्रेश मसाला बनाते हैं ना तो इससे जो टेस्ट है तो बहुत अच्छा आता है। पाउडर को मैंने साइड में निकाला है और अब पीसती हूँ मैं लहसुन अदरक। और क्योंकि लहसुन अदरक मैं पहले भी पीस सकती थी लेकिन इससे जार गीला हो जाता तो जो मुझे मसाले का पाउडर बनाना था ना तो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती। तो सारे जो लहसुन और अदरक था तो उसको मैंने डाल दिया है, हल्का सा पानी डालूंगी ताकि इसका हल्का सा पेस्ट बन जाए। फिर जो अदरक लहसुन है तो इसका फाइन पेस्ट बन चुका है। तो इसको बनने के बाद फिर जो चावल रखा हुआ था ना धुल के, तो चावल को गैस पर रख देंगे तो चावल भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो काम है तो वह मैनेज भी होते रहते हैं और किचन का जो काम होता है तो वह भी जल्दी खत्म हो जाता है, देर तक किचन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ता। तो बस चावल बन रहे हैं तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है और चावल को बनने के लिए रख दिया था। चिकन धुला हुआ है तो इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और साथ में मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक में डाल दूंगी अभी लगभग मैं जितना मुझे चिकन में पूरा नमक डालना है तो उतना डालूंगी। लगभग मैंने इसमें फिर मैंने पूरा नमक डाल दिया था, लगभग 2.5 चम्मच के मैंने इसमें नमक डाला है। साथ में जो पेस्ट अभी बनाया हुआ है तो बस इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और यदि टाइम हो ना तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे तो इसमें जो चिकन में अदरक लहसुन का अच्छे से फ्लेवर भी आ जाता है। तो बस सारी चीजों को मैंने डाल लिया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और मैं मिक्स हमेशा चम्मच से ही करती हूँ क्योंकि हमारे टीटू मिटू रहते हैं ना तो उनके लिए रोटियां भी बनानी रहती है, तो बस इस तरीके से मैं चम्मच से इसको मिक्स कर लूंगी। तो
फिर जो चिकन है तो वह भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और फिर इसको बनने के लिए तैयारी भी मैं कर लूंगी। तो सारी जो चीजें प्याज वगैरह थी तो सब कुछ मैंने कट करके रख लिया है, और चिकन भी थोड़ी देर रखा था मैंने 10 मिनट, और इसके बाद मैंने कढ़ाई में किया था तेल गर्म, तेल मैंने थोड़ा सा ही लिया था, अभी बहुत ज्यादा तेल नहीं डाला है। और जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। उसको मैं लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ, हाई फ्लेम पर नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे इसको अच्छे से चलाते जाएंगे, और चलाने के साथ साथ ना बीच बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे। इसको ढक्कन से मैं कवर कर दूंगी, और जो चिकन बनाने के लिए मसाले वगैरह तैयार करने हैं तब तक मैं वह भी करती जाऊंगी। तो बस धीरे धीरे चिकन भी फ्राई भी हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा पकता भी जा रहा है, फ्राई होता जा रहा है। और जब चिकन बनता है तो पार्थ को बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी से चिकन बन जाए, तो बस थोड़ी देर में चिकन फ्राई हो गया है। चिकन को वापस से मैं उसी थाली में निकाल रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को भी धो लिया था, और चाहे तो ना भी धोए तो भी चल जाएगा। तो वैसे कढ़ाई में मैंने वापस से तेल डाला है, और तेल मैंने ज्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है, क्योंकि चिकन में भी तेल डाला हुआ है ना, तो जब चिकन बन जाएगा तो सारा तेल उसमें भी आ जाएगा। तो बस इसलिए मैंने हिसाब से थोड़ा सा तेल डाला है। तेल गर्म हो गया था तो मैंने जो दालचीनी, तेज पत्ता और जो बड़ी इलायची के छिलके थे तो वह भी इसमें डाले हैं। साथ में डाला था मैंने लहसुन, और डाल दिया प्याज और हरी मिर्च। सारी चीजों को धीमी आंच पर अच्छे से मैं मिक्स करती जाऊंगी, और उनको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हुए थे, टमाटर को मैंने डाल दिया, और टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। टमाटर जो सॉफ्ट हो गया तो इसके बाद मैंने जो मसाला पीसा हुआ था उसके साथ साथ मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला था, साथ में डाला था लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, हल्का सा नमक डाला था। सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जिससे कि जो मसाले हैं तो वह जले नहीं, अच्छे से भून जाए। तो बस इसको धीमी आंच पर मैं अच्छे से भूनती जाऊंगी। मसाला मैं हमेशा धीमी आंच पर भूनती हूँ, तो लगभग 10 मिनट लग गए थे। उसके बाद मसाला भून चुका है, तो इस मसाले को अच्छे से चेक कर लेंगे, और इसके बाद फिर जो चिकन था तो चिकन को भी डाल देंगे। तो सारी चीजें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, और जो मसाले का फ्लेवर है तो वह भी चिकन में आ जाएगा। और पार्थ को ना इस तरीके से जो मसाले के साथ फ्राई हो जाता है ना चिकन, तो वह अच्छा भी लगता है। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स कर देंगे, और हल्का सा डालेंगे पानी। पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद फिर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं ढक्कन से कवर कर दूंगी, तो ये थोड़ी देर तक धीमी आंच पर ऐसे ही पकता रहेगा। और यहाँ पर मैं बीच बीच में जो चिकन था तो उसको चलाती जा रही हूँ, और वह अच्छे से मिक्स होता जा रहा है। और फिर मैंने आटा भी तैयार कर लिया था, क्योंकि चिकन बनने में तो टाइम लगता ही है, तो इसके साथ जो रोटियां हैं तो वह भी साथ साथ बनती जाएंगी। यहाँ पर चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, और फ्राई होने के बाद फिर इसमें अब पानी भी डाल देंगे। तो पानी जरूरत के हिसाब से डालूंगी, क्योंकि चिकन भी लगभग लगभग काफी हद तक पक गया है। तो इसमें जरूरत के हिसाब से मैंने पानी डाला हुआ है। फिर इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और चिकन को पकने देंगे। तो चिकन जब तक पक रहा है तब तक रोटियां भी बनाती जाऊंगी, तो दोनों काम साथ साथ होते जाएंगे। तो यहाँ पर रोटियां भी बनती जा रही हैं और चिकन भी पकता जा रहा है। रोटियां बन चुकी हैं, तब तक चिकन भी पक गया था। तो वैसे उसको मैंने चेक कर लिया था। चेक करने के बाद फिर इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी। धनिया डालने के बाद फिर जो सैलेड वगैरह है तो वह भी मैं कट कर लूंगी। सैलेड कट गई है, बस इसके बाद खाना लगाएंगे और सभी लोग खाना खाएंगे। तो इस खाना खाने के बाद फिर बर्तन भी धो लिए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर किचन क्लीन कर लूंगी। गैस चूल्हे को मैं अच्छे से लिक्विड सोप से कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि चिकन बना हुआ है ना तो थोड़ा इधर उधर तेल के छींटे आ जाते हैं। तो बस सभी जगह अच्छे से किचन को क्लीन कर लूंगी, और आसपास में जो टाइल्स वगैरह लगे थे तो सभी जगह मैंने अच्छे से साफ किया था। गैस के स्टैंड को मैंने साफ कर लिया था, और उनको पोंछ कर वापस से चूल्हे में लगा दिया था। सारी जो स्टैंड रखी हुई अगल बगल में, तो बस उनको हटा लिया है। हटाने के बाद यहाँ पर अच्छे से पोछा भी लगा लेंगे। पोछा लग गया है, वैसे इसके बाद बारी आती है सिंक क्लीन की। तो बर्तन पहले ही धुल गए थे, तो जो सिंक है तो उसको भी साफ कर लेंगे। इसको जो छन्नी वगैरह जाली इसमें लगी रहती ना, तो उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, और सिंक भी अच्छे से साफ हो गया था। और जो कपड़ा था ना जिससे पोछा लगाया था, तो उस कपड़े को भी धो लेंगे और उसको फैला देंगे, ताकि उसका सुबह वापस से यूज हो सके। फिर इसके बाद मुझे हाथ धोना था, तो देखा हैंड वॉश नहीं है। वो किचन का जो हैंड वॉश रहता है तो वह खत्म हो गया है। तो वैसे जो हैंड वॉश की बॉटल है तो उसमें मैं हैंड वॉश भर दूंगी,
तो बस जो बॉटल है तो उसको मैंने निकाल लिया था और हैंड वॉश को भी इसमें फिल कर देंगे। फिर एक और दूसरा हैंड वॉश रखा हुआ था तो उसको भी मैंने भर दिया था। तो सारा काम खत्म हो गया था। फिर यहीं पर वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।